वरुण बोल रहा हूँ टेक टॉक से। आज वीवो ने अपना एक मिड रेंज स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया और ये स्मार्टफोन है वीवो Y12। ये स्मार्टफोन आया है ट्रिपल रियर कैमरे के साथ और इसमें लगी हुई है 5000 मिली एम्पायर की बैटरी। Vivo Y12 की पूरी स्पेसिफिकेशंस जो है वो कुछ इस प्रकार हैं। ये स्मार्टफोन आया है 6.35 इंच के हेलो फुल व्यू HD प्लस डिस्प्ले के साथ, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। साथ ही इसमें लगा हुआ है MediaTek का हीलियो P22 प्रोसेसर। दो मेमोरी वेरिएंट में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। पहला मेमोरी वेरिएंट है 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज और दूसरा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें जो रियर कैमरा लगा हुआ है वो एक ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का है जिसमें लगा हुआ है टेलीफोटो लेंस, और जो थर्ड सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का है और ये थर्ड सेंसर डेप्थ सेंसर है। साथ ही इसमें जो फ्रंट कैमरा लगा हुआ है वो 8 मेगापिक्सल का है। वीवो का ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन है और रियर साइड में इसके फिंगरप्रिंट सेंसर भी वीवो ने दिया है और साथ ही इसमें फेस अनलॉक फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बैटरी की जहां तक बात है, वीवो ने इसमें 5000 मिली एम्पायर की बैटरी लगाई है और इसकी जो प्राइसिंग है वो कुछ इस प्रकार है। दो मेमोरी वेरिएंट में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है और जो मेमोरी वेरिएंट 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आया है उसकी प्राइसिंग जो है वो 11,999 है, और जो दूसरा मेमोरी वेरिएंट जो आया है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ उसकी जो प्राइसिंग है वो 12,999 है। तो दोस्तों, वीवो के इस नए स्मार्टफोन की इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम आपको देते रहेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।